हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जग बड़ी छोटी सी दुनिया में। आई नो गाइस, कल व्लॉग नहीं आया था। गाइस आप लोग भी समझ सकते हो, हम लोग भी इंसान है, हम लोगों को थोड़ा रेस्ट चाहिए रहता है गाइस। तो हम लोग सोचे थे कि थोड़ा रेस्ट लेते हैं। और गाइस मतलब क्लाइमेट इतना अच्छा हो गया है, एक दो दिन बारिश नहीं हुई थी, आज जो बारिश हुई है इतनी तूफानी बारिश हुई है यहाँ पर, और जो एकदम मस्त ठंडा क्लाइमेट हो गया। अब ऐसा लग रहा है कि एसी नहीं चलाएंगे तो भी चलेगा गाइस, क्योंकि बिल इतना आ रहा है, 6-7 हज़ार बिल आ रहा है महीने का। मेरी लाइफ में आज तक इतना बिल देखा नहीं मैं जितना के भी आ जा रहा है। सो गाइस चलो ठीक है, कल का दिन रेस्ट किया तो मैंने कल बहुत सोचा कि क्या करूं निदा पे, मतलब मैं ना गाइस मेरा मन नहीं भरा जो रिवेंज किया मैंने आरती के साथ मिलके। अरे क्या मच्छर घूम रहा है यहाँ से, मच्छर बहुत हो गए ना यार, तुम्हारे यहाँ भी आ रहे क्या मच्छर, कमेंट करके बताना। तो गाइस ठीक है, आरती के साथ जो मिलके मैंने निदा पे प्रैंक किया था, वो उससे ना मेरा मन नहीं भरा, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ मुझे। मैं सोचा कि यार कुछ तो और करना पड़ेगा निदा से रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा ईगर हो गया कि मैं और क्या कर सकता हूँ। तो गाइस मैं बहुत सोचा, तो तब मेरे को याद आया कि आप लोग बहुत दिन से कमेंट कर रहे थे कि निदा पे इग्नोरिंग चैलेंज करो, निदा को पूरा दिन इग्नोर करो। तो गाइस मैंने सोच लिया हूं कि आज मैं वही करूंगा, पूरा दिन निदा को इग्नोर करूंगा। गाइस बहुत मजा आने वाली है, आप लोग एंड तक वीडियो देखना और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना गाइस, ठीक है। तो गाइस निदा गई है वॉशरूम में और मैं अपना चैलेंज जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं, बस रेडी रहो। तो गाइज मैं आप लोगों को वही बता रहा था कि लोग हिल स्टेशन जाते हैं ये देखने के लिए कि हमें माउंटेन व्यू की होटल मिल जाए। गाइज हमारे घर से इतना अच्छा माउंटेन व्यू आता है, ये देखो इतना अच्छा आ रहा है, लोग चढ़े ऊपर मस्त घूम रहे फिर रहे, पूरा माउंटेन ही माउंटेन है। और गाइज बारिश और गाइज बारिश में तो इतना फॉग हो जाता है यहाँ पर, मतलब ना पूरा फॉगी यहाँ तक पूरा फॉग भर जाता है। फिर मैं आप लोगों को ना वहाँ का एरिया दिखाता हूँ जहाँ से मैं मतलब वहाँ से एक सेकेंड तो वहाँ से मैं दिखाता हूँ जहाँ से ना कि वो वहाँ से जा रहा था उधर। तो उस दिन क्या हुआ, यहाँ मैं खड़ा था तो मेरी बिल्डिंग के नीचे इतने बच्चे लोग, अरे खुल क्यों नहीं रहेंगे, तो मेरी बिल्डिंग के नीचे ना इतने लोग खड़े थे ना कि मैं तुमको क्या ही बताऊं गाइस। मतलब ऐसा हो गया था कि वो प्लेन जा रहा गाइस, देखो प्लेन जा रहा, ओ माय गॉड क्या प्लेन दिख रहा है यार, वाओ मैन। चलो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर का सीन के अंदर क्या हुआ था। अंदर ऐसा हुआ था हम लोगों के साथ में कि हम लोग गए थे उसके बाद गाइस क्या करूं, मेरे को मजा आ गई। लॉक कर दिया मैं, खोलो नहीं खोलूंगा। मुझे लग रहा है ये चैलेंज अगर उल्टा हो गया, पता चला कि मैं उस पर इग्नोरिंग कर रहा हूँ, वो गुस्सा के फिर मुझे ही इग्नोर कर रहा है। क्या बोले गाइस, इधर का क्लाइमेट इतना अच्छा हो गया है, इतना अच्छा हो गया क्लाइमेट गाइस। ये किसका मैसेज आया मुझे, हाँ गाइस वही बोल रहा था मैं आप लोग, मैं तो वहां से है ना गाइस, वही मैं समझा रहा था। समझ में नहीं आया, अभी मैं यहाँ से जाता हूँ, नहीं यहाँ ये लॉक होगा दरवाजा तो क्या करूँगा, तो आप लोग ना। तो गाइस बहुत मजा आ रही है मुझे और मैं यहाँ से चाह रहा था कि मैं यहाँ का आपका व्यू करके है ना गाइस। तो चलो अभी जरा चलते हैं, बहुत ज्यादा भूख लग रही है मुझे, अब मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। चलो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर बाद में। तो गाइज यहाँ पे लोगों को पता है कि मुझे जाना था बाहर 7 बजे, बट फिर भी यहाँ पे लोगों को तैयार होने में इतना टाइम लगता है कि कुछ बताओ ही मत। मतलब कि जब मुझे बाहर जाना है तब लोगों को भी बाहर जाना है, वरना ऐसा घर में बैठे रहना है, पता नहीं लोग कैसे हैं क्या ही बोलेंगे। छोड़ो चलो मैं तो चला बाहर, जिसको आना है वो, जिसको नहीं आना है वो नहीं आए। तो गाइज मुझे ऐसा लग रहा है कि सुफियान आज मुझे बहुत ही ज्यादा इग्नोर कर रहे हैं, मुझसे बात ही नहीं कर रहे सुबह से, पता नहीं क्या हो गया है। सो गाइज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट की हूं। आज बाहर क्यों निकला हूँ, क्योंकि बारिश का सीजन है गाइज, और ये जो मिरर है साइड मिरर और जो मेरा कांच है ये विंडो का, उसके दौरान बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो गाइज कुछ रस्ते कम दिखता नहीं है। तो फिर ऐसा सीन है कि मेरा बोलने का मतलब ये है कि मुझे गाड़ी का रास्ता नहीं दिख रहा है गाइज, मुझे थोड़ा घुटन सी महसूस हो रही है।
मुझे थोड़ा सांस लेने में महसूस हो रही है, बोल रहा हूँ। गाइस यहाँ पे अत्याचार हो रहा है मेरे साथ में, अत्याचार अत्याचारी अत्याचार। मैं बस ये बोल रहा था कि एक बाजू में वो एक प्लास्टिक का ग्लास आता है, वही लगाना जरूरी है, एक्सीडेंट से बचो। और गाइस सीट बेल्ट लगाना भी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी याद आया इनको। इंसान को औरत कभी आपको मारे तो उसके लिए भी सेफ्टी होना जरूरी है। तो आप गाइस मुझे गुदगुदी हो रही है अभी थोड़ी सी, गाइस मुझे गुदगुदी हो रही है, गाइस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सी। क्या हुआ मान लो, क्या लगा हाथ पे लग गया, क्या लगा मुड़ गया, क्या लगा तुम्हारे प्यार में मुड़ गया। अरे यार गाइस ऐसी एक्टिंग भी अगर कहीं पर हो रही है तो प्लीज उससे भी बचे आप लोग। कैसा कैसा इग्नोर नहीं कर पाए, ये लड़का कुछ भी हो जाए मुझे इग्नोर नहीं कर सकता। मैं ऐसी चीज ही हूँ कि मुझे कोई इग्नोर नहीं कर सकता, स्पेशली जो मुझसे प्यार करता हो। चीज है तभी चीज खा खा के तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। रुको अभी ये ना मेरे को कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं, अभी मैं इनको बताती हूँ। सो गाइस देखो मैं इसी की बात कर रहा था, ये रेन प्रूफ रहता है, पानी जाए तो इससे मैं दिखाऊंगा आप लोगों को डेमो, रुक जाओ। देखो गाइस लग चुका है, अभी डेमो दिखा रहा है, देखो गाइस कैसा अपनी कार से इतना प्यारे। जैसे ही बारिश शुरू हुई तो फौरन ये सब लगवा दिए, अभी तो आप लोगों ने देख लिया डेमो वेमो सब कुछ। तो क्यों ना, अगर आज सुफियान मुझे इग्नोर कर रहे हैं तो उनका अटेंशन पाने के लिए आपको तो पता ही है निदा क्या क्या कर सकती है। तो निदा आज सब कुछ करेगी जिससे सुफियान का अटेंशन निदा को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे इग्नोर नहीं कर सकता कोई मुझे, समझ रहे हो आप लोग। ये देखिए मुझे इग्नोर करने का नतीजा, सुफियान ने कांच नीचे कर दिया जिसकी वजह से पूरा ये जो लगाए थे स्टिकर ऊपर हो गया है, और बारिश तो इतनी तेज आएगी जिसकी कोई हद नहीं है। क्या हुआ, इग्नोर कर लिए, हो गया, चप्पल भी गंदी हो गई ना जरा कीचड़ में पैर रख के। हाँ और करो इग्नोर, हाँ कर लो कर लो, और कर लो, वेरी नाइस वेरी नाइस। ओहो ओहो क्या एटीट्यूड है, वाह वाह, पैंट ऊपर चढ़ाओ, ये अभी खुद ही मारेगा, ये ट्रांजिशन कर रहा था ये डायरेक्टली, या खुद ही मारो मेंढक बहुत फड़फड़ा रहे यार बाहर, है ना, आवाज आ रही थी काली कलर की, लगता गाड़ी के नीचे मेंढक बहुत आ गए, है ना। तो गाइस सुफियान अभी मुझे घर लेके जा रहे थे, तो मैंने सोची कि अगर घर पे मैं पहुंच गई ना तो ही विल नॉट, मतलब समझ रहा आप, वो यहाँ से वहाँ रूम में भागेगा करेगा, कार में रहेगा तो वो एक जगह रहेगा, सो आई कैन डू समथिंग ऑन हिम। तो मैं आई हूँ स्टेशनरी कुछ खरीदने के लिए, तो गाइस स्टेशनरी से सामान ली हूँ उनको परेशान करने के लिए, और मैंने कुछ सामान ली हूँ मेडिकल से जिससे सुफियान और गुस्सा हो जाएगा, बिकॉज मैंने ली हूँ आइसक्रीम और वो जो आता है ना 1-2 रुपए वाला जो चूसने का गोला टाइप आता है प्लास्टिक में, वो ली हूँ। तो सुफियान मुझे कभी खाने नहीं देते बिकॉज मेरे गले में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, दूसरे दिन मैं फीवर में हो जाती हूँ, तो वो मुझे इग्नोर ही नहीं कर पाएंगे। पहले हम स्टेशनरी का यूज करेंगे, अगर उससे बात नहीं बनी तो मैंने एक्सट्रीम के लिए फिर मैंने आइसक्रीम लाई हूँ, मस्त बड़ा वाला टब लाई हूँ, खाऊंगी दबा के मस्त आइसक्रीम, फिर देखते कैसा इग्नोर करते हैं। मैंने कैमरा सेट कर दी हूँ बिकॉज यहाँ पे लोगों को लग रहा था सुफियान रुकाओ यार, मेरे को गाइस मैं गाड़ी चल, मेरे को बहुत वॉमिट जैसा हो रहा है, मैं कुछ लाई थी वॉमिट के लिए, क्या हो गया, पानी दो रुक जाओ, डराओ तुम मेरे को इग्नोर करोगे, मेरे को इग्नोर कैसे करोगे तुम बताओ। गाइस ये क्या मतलब होगा, अगर मेरे हाथ में अगर कैमरा आ नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि लोग मेरे साथ में जबरदस्ती करेंगे या कुछ करेंगे। बहुत इग्नोर करने का शौक है ना तुम्हारे को, करो करो, अब तुम गाड़ी कैसे चलाओगे। गाइस मेरे साथ बहुत ही नाइंसाफी हो रही है, तुम अगर मुझसे बात नहीं करोगे ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी, दे दू जान दे दूंगी मैं तुम्हारे को। गाइस मेरी मेरी गाड़ी में जो सामान है गाइस वो सामान हाथ मेरे को नहीं बोल रहे हो तो फिर मैं तुम्हारी गाड़ी का सीट कवर फाड़ दूंगी। नहीं गाइस इसके गाइस जो करेगा ना उसके अकाउंट में से पैसा कटेगा, गाइस मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर कुछ भी हुआ ना गाइस मैं सच्ची बता रहा हूँ कि अकाउंट खाली कर दूंगा पूरा, मैं सीट कवर चेंज करवाने के लिए पहले बता रहा हूँ मैं। हाँ जरा भी गाड़ी के साथ तो मस्ती मजाक करना ही नहीं मेरी, ये बहुत बोलता है, इसके लिए मैंने कुछ लाई हूँ, मेरी गाड़ी के साथ ना मस्ती मजाक तो करना ही नहीं बिल्कुल भी। क्या अरे हाँ बुरे काम का फल बुरा ही होता है, जो बुरा ही होता है गाइस बहुत मजा आ रही है मुझे, क्या बोल रहे थे तुम, पड़ता है ना उसके साथ में।
यहाँ पे मेरे को किसी से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं। चलो ठीक है, और तुम अभी मुझसे बात नहीं कर रहे हो। और ये अल्लाह का शुक्र है कि मेरे ऊपर टेप है, वैसे ही मुझे बात करनी नहीं पड़ेगी। मेरे बाल का कुछ हुआ, अगर मेरा बाल का कुछ हुआ तो कस्टम पूजा की वो टकरा कर दूंगा मैं। अगर मेरे बाल का कुछ हुआ, मेरे बाल का अगर कुछ हुआ, क्यों इग्नोर करो ना, करो ना इग्नोर करो ना, मेरे बाल का कुछ हुआ। अबे हाथ भी नहीं आए, थोड़े बहुत आए गाइस। बाल अगर खराब हुआ है, जैसे काटूंगी रुको, बाल अगर खराब हुआ है तो मैं कसम से और पुलिस केस कर दूंगा मैं। पुलिस क्या करेगी? अबे यार ये तो मैं ना उधर हो रही हूँ, अभी मैं आती हूँ, अभी मैं जल्लाद बन जाऊंगी। बात करोगे कि नहीं? ठीक है, मेरे पास और भी सामान है, मेरे बहुत सारा सामान है। तुम्हारी मुंछी काटू, तुम्हारी दाढ़ी काटू। सब लोग मेरे को अंदर देख रहे, कोई नहीं। क्या हो गया सुफियान, गुस्सा हो गए तुम मुझसे? गुस्सा, इतना गुस्सा? कोई नहीं गाइस, मेरा आदमी है, गुस्सा मत दो। क्या देखो, अगर तुमने जरा से भी हिल्लत की है, वाह सुफियान क्या मस्त लग रहे हो तुम यार। और करो, इग्नोर और करो, छोटे मेरे गाल भी थोड़े से लाल कर देती हूँ। पिंक मेरे, मैंने कुछ लाई नहीं हुआ गाइस इसको डुपो करने के लिए। हार्ट बनो के हार्ट, ओ माय गॉड, ये है मेरा बिछड़ा हुआ हार्ट। मेरे हार्ट में वो वाला कर्व नहीं है, सीधा हार्ट है मेरा, प्लेन हार्ट है। अभी भी बात नहीं कर रहा है ये लड़का, सुफियान। अच्छा ठीक है, मैं खोल रही, तुम बात करोगे, बात करोगे ना? मुंडी हिलाओ, ये तो खोलूंगी नहीं यार, इतना बेरहम नहीं होना मेरे को। कोई बोलेगा कि किडनैप करके लेके जा रही हो तो बाबा, सॉरी, रुको रुको कैची है, निकाल लो अपने आप, नहीं तो फिर बोलोगे कि नींद आगे वजह से। क्या हुआ, बाल खड़ गए, बाल टूट गए? मस्त लग रहा है ना, एकदम वेरी नाइस, चिकना हॉट। सुफियान सुफियान मुझसे तो बात करो यार। तो गाइस, दुनिया चाहे कितना भी मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करे, लेकिन मुझसे जीत नहीं पाएगी। कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, तुम जितना नीचे मुझे गिराओगे मैं उतना ऊपर उठूंगा। कोई भी हो गाइस, सुफियान नहीं करेगा कुछ भी। कोई भी हो, मेरे पास पोछने के लिए टिश्यू भी नहीं है। कैसा पोछोगे मुंह? दुनिया कितनी भी क्या मेरे साथ किए थे लास्ट टाइम, याद है? मैंने पूरा मुंह भर दिए थे, याद है कि नहीं? हाँ, अरे बाप रे, सॉरी गाइस, एक ही शर्त पे टिश्यू मिलेगा, बात करोगे तो, वरना नहीं दूंगी। लो टिश्यू, लो, बात करोगे तो टिश्यू मिलेगा, बात करो। मुझे तो मेरा कवर पोछ ली थी बाबा ने, तो फिर चिल्लाएगा बोलेगा हेलो। गाइस, जिंदगी में कभी भी किसी का एहसान नहीं लेना, मैं आप लोगों को सीख दे रहा हूँ। ये देखो, ये क्या भी ले लिए एहसान, ये लो एहसान ले लिए, अब क्या आंख में लग गया जो देखिए। इसलिए बोलते हैं सब किया मत करो, मैं एक्सट्रीम हो जाती हूँ, फिर मत किया करो मेरे से, तुम बात नहीं करते ना मेरे से सहा नहीं जाता है। इधर दुनिया कितनी भी नीचे गिरा है गाइस, कसम नेल पॉलिश तो स्किन पे से निकल ही नहीं रही है। ओ मैं तो भूल गई बताना, ये नेल पॉलिश निकलती नहीं है, परमानेंट है। ये जिंदगी की एक सीख है, तुम्हारा हाथ खोलोगे तो तुम गाड़ी चलाने लग जाओगे। ये जिंदगी की एक सीख है कि दुनिया में लोग आएंगे, तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हें हराने की कोशिश करेंगे, बट तुम्हें हारना नहीं है उनसे। क्या बोलो 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 जी, इसकी टकार भी ले लिए तुमने, इसके अंदर तक चला गया। बोलो बोलो ना, अभी कुछ मेरे से बात नहीं करोगे तो मैं यही करूंगी। करो, कितना इग्नोर कर सकते हो, करो। गाइस, अभी अगर तुम लोग ने मेरे को हेट कमेंट किया तो देख लेना कि ये लड़का मुझसे बात नहीं कर रहा, तो मैं कर रही हूँ ऐसा हरकत। जो इंसान जैसी हरकतें करेगा उसको वैसा ही मिलेगा। गाइस, मैं आप लोगों से ही बात कर रहा हूँ, कीचड़ में भी क्यों ना गिर जाऊं मैं। हाँ ना, समझ रहे गाइस, कीचड़ में भी क्यों ना गिर जाऊं, साफ ही बाहर निकलूंगा, हक से भर जाओ, हक से। गाइस, इंटीरियर क्लीनिंग का 4,500 रुपए होता। देखो, गाड़ी ने भी जवाब दे दिया अभी।
अच्छा ठीक है सॉरी, पूछ देती हूँ पर मैं किससे पूछूं, मैं बस कुछ भी नहीं पूछ रही। इंटीरियर क्लीनिंग का खर्चा देखो अभी नहीं। मेरे पास इतने पैसे नहीं है, तुमको ही देना पड़ेगा, मैं थोड़ी ना दूंगी। ये तो एक बाहर निकलो, चलो बाहर निकलो, अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा झाड़ोगे ना, कुत्ते लोग कैसे झाड़ते, डॉगी लोग सॉरी, तो बड़ा ऐसा उड़ जाता है। वैसे तुम बाहर जो ऐसा अपने आप को झाड़ो, जाओ जाओ जाओ। बाबा तो रहता मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में, बाबा तो रहता मस्ती में। जिंदगी की यही रीत है, खुश हो के भी दुखी रहते हैं। पूरा मुंह पे अल्लाह। कितना इग्नोर करोगे बताओ, कितना इग्नोर करोगे। अभी नीचे क्यों बैठ रहे हो, पागल हो गए हो? मत देखो, बाहर देखो। ये तो पूरा नहा रहा है इससे। दू और दू नहाना आपको, और चाहिए ये लो और दू। सुफियान की पॉटी देखो कैसी निकलती है। अभी सुफियान तुम्हारी दाढ़ी बनाऊं क्या? इसका गाइस सपना था कि इसकी दाढ़ी हो। ब्लैक नहीं मिलता है स्नो स्प्रे। देखो गाइज, मैं कितनी अच्छी पत्नी हूँ, मैंने अपने पति का ड्रीम पूरा कर ली हूँ। उसको दाढ़ी नहीं आती थी, उसको दाढ़ी आ गई, सफेद दाढ़ी। अरे सॉरी, आग तक पहुँच गया दाढ़ी। इतना सपना था कि पूरा वो करना ही था, ये भी आग तक पहुँच गई। गुस्सा तो देखो कितना आ रहा है, गुस्सा देख रहे हो मेरे आदमी का, गुस्सा देख रहे हो गाइज। कभी कभी ना जिंदगी भी आपके साथ प्रैंक करती है। यार तुम तो बात ही नहीं कर रहे हो यार सुफियान, मेरे को इग्नोर कर रहे हो तुम, मेरे से बात नहीं कर रहे हो, अवॉइड कर रहे हो, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा है। इतना इग्नोर करोगे तो कैसा चलेगा बताओ मुझे। नीचे भी ऐसी की ऐसी पड़ा हुआ है, ये कैसा स्नो स्प्रे भाई। एक तो मैं मुंह भी पोंछ रही हूँ, ऊपर से तुम बात भी नहीं कर रहे हो मेरे से। सुफियान यार छोड़ो, मेरे को भी बात नहीं करनी है, मेरे को घर लेके चलो, मुझे घर जाना है। मैं और स्नो स्प्रे मार दूंगी फिर। मुझे घर ले चलो, क्या ऐसा कर दी मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हारे गम में मुझे ये खाना ही पड़ेगा जहर। गाइस ये गले के लिए बहुत हानिकारक है मेरे, पर मैं आज ये पीऊंगी क्योंकि सुफियान मुझसे बात नहीं कर रहे, और जब तक सुफियान मुझे नहीं रोकेंगे तब तक मैं पीऊंगी ये। और अगर इसके बाद मुझे कुछ हुआ, आप लोग इस चीज को देख ही रहे हो। देखो सुफियान मैं पी रही हूँ। तू क्या कर, मत करो। तुम भी मत पियो, उसमें शकरीन रहता है, मत पियो। तो तुम बात कर लिए मेरे से, चलो अभी बस करो, अभी तुम मुझसे बात कर चुके हो, चलो अभी मेरे से बात करो। अरे बात कर, अभी ठीक है अब। अगर तो अब तो ये तुम नहीं कर सकते, अब तो ये तुम गाइस, अगर लोगों को नदी में कूदने आता है ना तो मेरे को पहाड़ से कूदने आता है। गाइस तो मैंने आइसक्रीम का पूरा टब लाई हूँ और ये मैं पूरा खाऊंगी, और अगर मुझे कल बुखार हुई तो इसकी भी जिम्मेदार सुफियान खान है, क्योंकि सुफियान खान मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, और मैं इसे दबा के खाऊंगी मस्त मेगा। मुझे डॉक्टर ने मना किया आइसक्रीम खाने के लिए। ओह अभी तो तुम इसको भेज नहीं सकते, तुमको मुझसे बात करनी होगी। आह गले में ज्यादा इन्फेक्शन पैदा करता है मेरे, मेरे को अलाउड ही नहीं आइसक्रीम खाना। पहले मुझे बात करो, मैं क्या बोल रही हूँ। ज्यादा फ्री हो गए तुम। क्यों ज्यादा फ्री हो गए? चल दो अभी। क्या? अरे आइसक्रीम तो खाने दो। हाँ रख लो, पिघल जाएगा वो। तुम्हें वो समझ में नहीं आता, बीमार हो जाएगा तुम जब से आइसक्रीम लेके आयो। तुम मुझसे बात नहीं कर रहे हो ना, तो कुछ भी करोगे तुम, बात नहीं कर रहा हूँ तो। और करो इग्नोर, फालतू और कहते मत क्या करो, समझे ना। गाइस मेरे को इग्नोरिंग चैलेंज नहीं करना है, जब इंसान खुद को कुछ हार्म करे तो ये सब मैं मेरे से नहीं होगा। गाइस मैं चैनल बंद कर रहा हूँ, मैं भाई बस हो गया। चैलेंज बंद कर रहा हूँ, रहने दो अभी तुम, समझे ना। फालतू क्या नाटक नहीं करने का जबरदस्ती, जब मालूम है इंसान की तबीयत खराब हुई तो कहे को जबरदस्ती खा रहे हो ये सब। इतना केयरिंग, इसलिए तो मैं लाई आइसक्रीम। मत करो फालतू में, मुझसे बात करोगे जबरदस्ती की, फालतू करके कर रहे हो तुम। छोड़ो गाइस मैं जा रहा हूँ घर अभी, बस चलते हुए। हाँ नहीं तो गाड़ी चला के जाऊंगा, चल के थोड़ी जाऊंगा मैं, सब कुछ किया मैं, मना किया क्या। हाँ नहीं तो अच्छा लग रहा है तुम मुझसे बात कर रहे हो तो। मेरी कान तरस गए थे तुम्हारे सुनने के लिए। निदा निदा बोलो, निदा
बोलो निदा। ये निकालो उसको जो तुमने किए हो भी यार, गुस्सा दिलाने वाले काम कर दो। कभी तो कोई काम अच्छे से करते ही नहीं हो तुम, आइसक्रीम खा रहे हो बैठ के यहाँ पर। वो तुम कितने अच्छे लग रहे हो पता है। निकालो इसको अभी, तुमने क्या लगाया हो। तो निकलेगी नहीं? नहीं निकलेगी। अबे तो तुमने लगाई क्यों मेरे को यार, जब तुम्हारे पास आइसक्रीम खाने का तरीका था ही मेरे से बात करवाने का, तो फिर ये क्यों लगाया? ये मेरा लास्ट ऑप्शन था, मुझे क्या मान लू, ये एक्सट्रीम वाला था। मेरे को लगा इसमें तुम मेरे को बोल दोगे कुछ ना कुछ। Oh my God, टेंशन। छोड़ो मैं बंद कर रहा हूँ। गाड़ी चलाते चलाते कैसा निकाल रहे हो, देखो अपना नोज पे से। क्या ये सूफी? रहने दो तुम। नेल पॉलिश। तुमने मुझसे बात नहीं की, उस चीज का नतीजा है ये। अब आज के बाद से अगर मुझे इग्नोर किए रियल बेटा, तुम्हारे साथ क्या करूंगा मैं अभी? मैं तुम्हारे को कभी इग्नोर नहीं करूंगी। इग्नोर छोड़ो, ऐसे कैसा बात किए, कैसा बात किए, नहीं पड़ा ना। देखिए बेटा, अपने से कोई चैलेंज नहीं जीतता बेटा। बेटा चैलेंज जीतने के लिए मैं इस हद तक नहीं जाता, समझे ना। खुद की तबीयत को कभी हार्म नहीं करूंगा मैं। मुझे पता है तुम्हारी कमजोरी क्या है। फायदा उठा लिया तुमने मेरी कमजोरी का। तुमको मालूम था मेरी कमजोरी क्या है? तुमको मालूम है पहाड़ से कूदूंगा तो बच जाऊंगा, लेकिन पानी में डूबूंगा तो नहीं बचाऊंगी, मुझे स्विमिंग नहीं आती है। ये गेम खेले मेरे साथ। यस, कोई बात नहीं बेटा। यस, क्या समझ में आ रहा तुम्हारे? क्या समझ में आ रहा तुम्हारे? क्या कर रहे हैं? क्या होता है ये? देखो पहली बार में मुझे पता चल गया था कि मुझे कुछ होगा तो तुम ऐसे इग्नोर करेंगे। नहीं कर बेटा, अभी तुम तो अच्छा लड़का हो, मैं इसके लिए करके तुम्हारे को मैंने वो कर लिया, समझे? जल्दी चलो लिफ्ट चल जाएगी। सो गाइस, फाइनली हम लोग घर पे पहुंच चुके हैं। और अगर आज निदा मुझे इमोशनल नहीं करती थी ना गाइस, कसम से बता रहा जिंदगी निकल जाती निदा की, और निदा कभी मेरे से बात नहीं करवा पाती। इतना याद समझे बेटा, तुम्हारे नसीब अच्छे है कि मैं मान गया मैं। सॉरी। चलो साफ सफाई करो फटाफट, नहीं तो चल। अरे जाओ ना अभी, क्या तुम्हारे साथ चलूं? अरे ये कैसी बेइज्जती, जबरदस्ती बेइज्जती कर रहे हो मेरी। तो गाइस चलो, आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो। इग्नोरिंग चैलेंज बहुत टाइम से आप लोग मांग रहे थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कॉमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। लव यू, अल्लाह हाफिज।